एक्ट डिक्शनरी देख कर आप अपने वज़ीर-ए-आज़म को निकालते हैं फर्जी तनख्वाह के ऊपर और फिर कहते हैं कि सारी ज़िंदगी के लिए नाहल करार दे दिया जाए। ये कौम नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफ़साल। नाज़रीन, एक वो जुडिशल एक्टिविज़म था जो हमने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में देखा था। एक बार फिर से आपको पाकिस्तान की अदालतें, खुसूसन आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत मुतहरक दिखाई दे रही है। एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब के वो दौरे हैं जिन पर नवाज़ शरीफ साहब और पूरी नून लीग तनकीद करती नज़र आती है, चाहे वो हस्पतालों के दौरे हों या दीगर इशूज़ पर जो सुमोटो नोटिसज़ लिए जा रहे हैं, गैर मियारी स्टंट का मामला हो, हस्पताल में अद्वियात का मामला हो, हस्पतालों की और स्कूलों की हालत ज़ार के हवाले से नोटिसेज हों, जैनब जो कसूर की बच्ची थी उसके हवाले से नोटिस हो, कोहाट की असमा या फिर मर्दान की असमा के हवाले से नोटिसेज हों, वो अपनी जगह पर। साथ ही साथ कुछ अदालतों के अपने फैसले भी कलदम हो रहे हैं, यानी जैसे आज हमने देखा शाहरुख जतोई वाला जो मामला था शाहजेब कत्ल केस में जिसको बरी कर दिया गया था, आज सिंध हाई कोर्ट का वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलदम करार देते हुए एक बार फिर से शाहरुख जतोई को और दीगर मुलजमान जो मुलव्वस हैं शाहजेब के कत्ल में उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया है। और साथ ही साथ सिंध हाई कोर्ट को ये कहा है कि कानूनी तमाम चीज़ें सामने रखते हुए 2 महीने के अंदर अंदर इस हवाले से फ़ैसला सुनाया जाए। फिर नकीबुल्ला केस जो कि एक राव अनवार के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं कि एक मावराए आइन और कानून एक कत्ल हमने देखा, और ये पहला नहीं है ऐसा, किससे पहले भी हम सुनते आए हैं राव अनवार के हाथों ही कितने लोगों के कत्ल हुए हैं जिनको कहा ही इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। उस हवाले से भी जो नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें आपको याद होगा कि पहले मोहलत दी गई थी सिंध हुकूमत को, ये कहा गया था आईजी सिंध को बुलाकर ये कहा गया था कि जी उनको गिरफ़्तार किया जाए। अब उस मोहलत में भी इजाफा कर दिया गया है, 10 दिन मज़ीद दे दिए गए हैं राव अनवार की गिरफ़्तारी के हवाले से। और सबसे अहम मामला इन्हीं अदालतों के ऊपर और इन्हीं जजेस को लेकर जो तनकीद की जा रही थी नवाज शरीफ की नाहली के फैसले के बाद से, नवाज शरीफ साहब खुद, उनकी साहबजादी मरियम नवाज की तरफ से भी, और जो नून लीगी वज़रा हैं जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से भी। और इसी किस्म की एक तकरीर आपको याद होगी निहाल हाशमी साहब ने की थी, बड़े ही जज्बाती अंदाज में धमकियाँ दी थी ना सिर्फ जजेस को बल्कि उनके बच्चों को भी। उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी थी अदालत से, उनका वो माफ़ीनामा जो है वो मुस्तरद हो गया है। पहले आपको सुनाते निहाल हाशमी साहब ने क्या कहा था। हिसाब हमसे ले रहे हो, वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको, आज हाजिर सर्विस हो कल रिटायर हो जाओगे, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन बाकायदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो, पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। तो ये वो अल्फाज थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस जारी किया था, इन्होंने माफ़ी मांगी थी और माफ़ीनामा मुस्तरद हुआ, यौम हिसाब बनाना चाह रहे थे जजेस का और उनके बच्चों का, लेकिन आज खुद के लिए यौम हिसाब साबित हुआ। 1 महीना कैद की सज़ा सुना दी गई और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, तलाल चौधरी साहब भी बहुत बढ़ चढ़ के अदालत के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने जड़ावाला में जो तकरीर की थी उसमें तो ये कहा था कि जी इन जजेस को नवाज शरीफ साहब बाहर निकाल दें। अब तलाल चौधरी का जो अदलिया मुखालिफ तकरीर हैं या जो स्टांस रहा है उस पर भी उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया और 6 फरवरी को तलाल चौधरी को भी तलब कर लिया है। आपकी आदहानी के लिए तलाल चौधरी ने क्या कहा था ये सुनिएगा। ये अवामी अदालत ये नहीं मानती 2 नोटिस को, दो तोहीन इसकी तोहीन की गई है, ये अवामी अदालत की फैसले की तोहीन हुई है। मियां साहब, एक दौर वो था जब काबे में बुत भरे हुए थे, आज अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदारा है वहां भी पीसीओ के बुत भरे हुए हैं।
میاں نواز شریف ان کو نکالو، اس کو عدالت سے نکال کر باہر کرو، یہ انصاف نہیں دیں گے، یہ اسی طرح بد انصافی کریں گے۔ تو اپنے اس موقف اور اس تقریر کا جواب 6 فروری کو طلال چودھری صاحب کو دینا پڑے گا سپریم کورٹ میں۔ اب کیا واقعی اب ان نوٹسز سے اور ان سزاؤں سے عدلیہ مخالف جو تقاریر ہیں یا ججز کے اوپر جو حملے کیے جاتے ہیں وہ سلسلہ رک سکے گا، تھم سکے گا؟ اور یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو کس انداز میں دیکھا جا رہا ہے؟ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو پینل ہے سینئر صحافیوں پر اور انالسٹ پر مبنی ہے، اعجاز حیدر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، جنرل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اوریا مقبول جان صاحب اور مظہر عباس صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے۔ اعجاز صاحب، I'll start with you، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نحال ہاشمی صاحب کو آج سزا سنا دینا، 5 سال کی نااہلی ہو جانا، طلال چودھری کو نوٹس چلا جانا، اس سے یہ سلسلہ تھم سکے گا جو بہت زیادہ ایک پینما کیس کے بعد ہم نے عدالت کے مخالف اور ججز کے مخالف بیان دیکھے ہیں؟ نہیں، یہ سلسلہ نہیں تھمے گا، یہ ایک حکمت عملی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب بھی ادارے جو ہیں وہ اپنی جو تعین شدہ جو سپیس ہوتی ہے اس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر انیملیز شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو توہین عدالت کا کانسیپٹ جو ہے وہ کس چیز میں گراؤنڈڈ ہے؟ وہ اس چیز میں گراؤنڈڈ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بالکل شفاف طریقے سے اور بالکل غیر جانبدارانہ طریقے سے قوانین اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں کوئی یہ تعلق نہیں ہے، نہ آپ کے ساتھ ہے، نہ میرے ساتھ ہے، یہ کسی اور کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ پٹی بندھی ہوئی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ جب یہ سوچا جائے غلط یا صحیح کہ ایک فیصلہ دیا گیا ہے جو کہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیسائزڈ فیصلہ ہے، یعنی جس کو آپ جوڈیشلائزیشن آف پولیٹکس کہتے ہیں، تو وہاں سے یہ سارے معاملے کا آغاز ہوا۔ اب اس کے اندر جو سیاستدان ہے اس کے پاس جو قوت ہے وہ ہے لوگوں کی، اپنے ووٹرز کی، اور اس قوت کا اس نے استعمال کرنا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ جنگ جو ہے وہ لو کٹ اینڈ تھرسٹ میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے، وہاں پہ پھر جو احترام ہے ایک دوسرے کا وہ نہیں رہتا، اداروں کے حوالے سے وہ نہیں رہتا۔ بٹ ڈبل سٹینڈرڈز بھی تو ہے نا، حدیبیہ کے فیصلے کو تو قبول کیا انیشلی، اس میں بھی جی آئی ٹی بنی اس کو بھی قبول کیا اور بعد میں خلاف آیا، تو وہ چیری پکنگ اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ چیری پکنگ اسی طرح جو نحال ہاشمی صاحب نے کہا یا یہ جو ابھی طلال چودھری صاحب نے کہا ہے، اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کے پیچھے کچھ حقیقتیں بھی، یعنی جب آپ پی سی او کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ اب وہ اعتراض آپ اس عدلیہ پہ جڑ سکتے ہیں یا نہیں جڑ سکتے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن آپ نے اپنے فیکٹ سلیکٹ کیے، دونوں اطراف جو ہے اپنے حقائق جو ہیں ان کو سلیکٹ کر کے تو اپنے اپنے حقائق جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ بٹ یہ جو پی سی او ججز والی بات کی، 2000 میں ہم نے دیکھا وہ جو طیارہ سازش جس کو کہتے ہیں، طیارہ ہائی جیکنگ کیس جس کو کہتے ہیں، اس میں کنوکشن ہوئی، تقریباً 9 سال کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ اپیل کرتے ہیں، پٹیشن ان کی پھر سنی بھی جاتی ہے اور وہ ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ مطلب جب خود کو سوٹ کرے تو وہی پی سی او ججز جب آپ کو ریلیف دیتے رہے تو دیٹ از ایکسیپٹیبل فار یو؟ آئی اگری ود یو۔ اس میں دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کا، ونس اگین ہم اس فوجی نقطۂ نگاہ سے بھی تھریٹ کی ہم بات کرتے ہیں، پرسیوڈ ریئل تھریٹ، ٹھیک ہے؟ اب یہ حقیقت ہے، یہ پرسیپشن ہے، تاثر ہے۔ اس جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کا یہ خیال ہے کہ جب سے وہ 2013 کے بعد آئے، کچھ طاقتوں نے کوشش کی کہ مختلف طریقے سے ان کی حکومت کو کمزور کیا جائے۔ یہ بات وہ کافی عرصے سے کہتے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، آج بھی انہوں نے پھر سے کہا۔ اب جب وہ ایک ٹریجیکٹری آگے چلتی ہے تو پھر اس ٹریجیکٹری کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کل کو وہ یہ دیکھیں، وہ کالا کوٹ پہن کے آئے تھے نا سپریم کورٹ میں، بالکل ہی لک لائک اے لوئر، ٹھیک ہے؟ تو دیئر از اے ڈسٹینس دیٹ از کورڈ اس وقت سے لے کے اس وقت تک۔ اب اس کے پیچھے جو ایک تاریخ ہے، جو ایک وہ تاثر ہے، حقیقت ہے، جو بھی ہے، اس کے اوپر علیحدہ بحث ہو سکتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مختلف اداکار اس ڈرامے کے ہیں وہ اداکار جو ہیں اپنا اپنا اسکرپٹ جو ہے وہ کیسے پڑھ رہے ہیں، کیسے اور کس کے لیے پڑھ رہے ہیں،
और क्या ये स्क्रिप्ट उनका है, ठीक है, क्योंकि नवाज, और आपको पता है ना, ये तो आपने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए बेशुमार, कि एक धड़ा जो था वो बाज़ाब्ता ये कह रहा था मियां साहब को कि जी आप जरा हाथ होला रखें सही, ठीक है, बिल्कुल, बट मियां नवाज शरीफ डिसाइडेड कि ही इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन, सही, वो जो मरियम नवाज वाले ग्रुप का पूरा स्टांस रहा है कि आप ये देखें कि ऑन द ग्राउंड जलसों में लोगों की तादाद बढ़ रही है, ठीक है, सो अब वो मैसेज रेजोनेट कर रहा है, अब वो मैसेज जो है वो दुरुस्त है या गलत है वो उससे कता नहीं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं वो अवाम की तरफ से सपोर्ट जो है वो मिलना शुरू हो गई है। जनरल साहब, वाकई आप समझते हैं कि ये जो बयानियां बनाने की कोशिश की है नवाज शरीफ साहब ने अपनी नाहली के फैसले के बाद अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेज, अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, ये काम कर रहा है? जैसे एजाज साहब ने भी कहा कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता जलसों की हद तक तो अवाम की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, और फिर ये अदलिया मुखालिफ तकरीर पर इस तरीके से नोटिस आज निहाल हाशमी एंड देन लगता है तलाल चौधरी साहब की बारी होगी, आपको लगता है कि विल दिस वर्क? नहीं, मेरा ख्याल है कि मियां साहब जो लड़ाई है वो गलत मैदान में गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। इशू अभी जो इस तरह एजाज अच्छा। बात कर रहे थे कि ठीक है, लगता यूं है कि इस वक्त जुडिशियल एक्टिविज्म वो शायद पिछले से भी थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है, लेकिन इशू क्या है, बेसिक इशू ये है कि आपकी जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है वो बड़े सीरियसली डिस्टर्ब हुई हुई है, उस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। जुडिशी के साथ जो हमारी लेजिस्लेटर है या एग्जेक्टिव है, अब तीनों अलहदा नहीं है इस वक्त। जो हमारी लेजिस्लेटर है इज टोटली अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो जो चाहती है वो करती जा रही है, और जो नहीं करना चाहती वो नहीं कर रही, और जहाँ से एक निगलेक्ट है वो इतना ग्लेरिंग है, उसको कवर करने के लिए और कोई आपके पास ना तो कोई तरीक़ाकार है ना कोई आपके पास कोई पावर है। अब इस सारे जो ये वाइड है इतना बड़ा, इसको किसने फिल करना है? मतलब मुझे वो याद आता है कि जब इस बच्ची का एग्जांपल ही मसला बन रहा था, तो लोगों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की थी, इन दोनों का ये काम नहीं है, ये काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम था जो हो जाना चाहिए था, रूटीन हो जाना चाहिए, नहीं हुआ ये काम। तो अब जब ये वाइड है, इस वाइड को जो फिल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये हुकूमत की और लेजिस्लेटर की इंतहाई कमजोरी का ये निशानदेही करती है इस चीज़ की। अब इसमें अगर मियां साहब अपने जो भी उनका है, अदालतों के फैसले चल रहे हैं, उसमें जो एक बयानियां लेके लोगों के सामने जा रहे हैं, ये लोगों ने ये फैसला नहीं करना कि मियां साहब परमानेंटली या मियां साहब डिस्क्वालीफाइड हैं या कि नहीं है, ये फैसला तो अल्टीमेटली अदालतों के हाथ में है, वो इसको रिवर्स करें, इसको इन्हांस करें, जो करें वो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। अगर हुकूमत समझती है कि अपनी पार्टी ताकत के जरिए, उसमें तो डेफिनेटली ये जो स्टांस है सर, उसमें तो डबल स्टैंडर्ड जिसका जिक्र पहले भी किया वो नजर आते हैं। आई रिमेंबर पीपल्स पार्टी के टाइम पे आपको भी याद होगा, कहते थे कि ये फैसले जो है वो सड़कों पे नहीं होने, गिलानी साहब, जरदारी साहब, ये फैसले अदालतों में होंगे, और आज फिर उसके बिल्कुल ही उलट बात कर रहे हैं कि ये अदालतों के फैसले नहीं है, ये तो अवाम फैसले करेंगी, अवाम डिसाइड करेंगे। बिल्कुल सही आपने फरमाया। मैं जो कह रहा था कि अभी अगर इनका ख्याल ये है कि चूंकि ये हुकूमत भी इनके पास है और लेजिस्लेटर भी इनके अंडर कंट्रोल में है, तो ये अदालतों को इस सारी ताकत को जमा करके अदालतों को काउंट डाउन कर देंगे एंड दे विल कैरी द डे। ये अल्टीमेटली इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है, ना तो ये चलना चाहिए ना ही चलेगा, इसलिए कि जब ये वोट ले जाएंगे सब आपको, वो दैट इज नॉट द इशू इस वक्त ये, लेकिन जो इनको जिस क्राउड को ये ड्रा कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दैट इज़ वेरी लिमिटेड इन स्कोप। अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारी अपोजिशन अपना केस सही तरीके से बयान नहीं कर रही, और यह मीडिया पे बैठ के हम बात तो कर रहे हैं, और इट्स ऑल्सो ए रियलिटी के भाई क्राउड्स आ रहे हैं, मियां साहब उसको बात सुन रहे हैं और उनकी जो रेजोनेंस रेजोनेट भी कर रही है, लेकिन द रियलिटी यह है कि क्राउड ने तो ये फैसला नहीं करना। क्राउड कैन ब्रिंग PMLN बैक इन पावर, लेकिन क्राउड कैन नॉट ब्रिंग मियां नवाज शरीफ बैक। उसको अगर आप समझते हैं कि हुकूमती ताकत अपनी पार्टी की ताकत को इस्तेमाल करते हुए लेजिस्लेटर के जरिए आप ये कर देंगे, अब इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा आप आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब नवाज शरीफ साहब को आप कहते हैं कि अगर वापस आना है तो कोई ना कोई अदालत ही अपना फैसला अगर रिवर्स करे तो ही सूरत निकलती है।
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस हवाले से भी बात करेंगे। 62(1)(f) जिसके तहत नाअहली की मुद्दत क्या होगी, आइन इस पे खामोश है। यही कहा जाता रहा कि ताहयात नाअहली होती है जहां मुद्दत का तायुन ना हो। अब उस हवाले से भी दरख्वास्तों की समाअत हो रही है। जहांगीर तरीन साहब की नाअहली भी है, नवाज शरीफ साहब की भी नाअहली है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स भी ये दिए हैं कि तमाम सियासी जमातों ने 18वीं तरमीम करते वक्त ये 62(1)(f) को जो है वो अपनी जगह पर कायम रखा, इसको नहीं छेड़ा, बरकरार रखा था। इस हवाले से भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, ये जो जुडिशल एक्टिविज़म जिसको हम कहते हैं वो नज़र आ रहा है, अदालतें मुतहरक हैं। समाजी इश्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो उस पर भी जैनब का जो कसूर का इंसिडेंट है, सुमोटो नोटिस होता है, मर्दान की आसमा, कोहाट की आसमा, सुमोटो नोटिस लिए जाते हैं। आज शाहरुख जतोई के मामले पर हमने देखा है सिंध हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। नकीबुल्ला का जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हमने देखी है राव अनवार के हाथों, उस पर सुप्रीम कोर्ट का असखुद नोटिस है। दीगर इश्यूज़ पर, पानी का मसला हो, दूध का मसला हो, हस्पतालों का हो, स्कूलों का हो, उस पर हमें नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुतहरक है। और साथ ही साथ ये जो अदलिया मुखालिफ और जजेस मुखालिफ तकरीर हैं उस पर भी अब नोटिसेज और सज़ाएँ शुरू हो गई हैं। निहाल हाशमी और अब 6 फरवरी को तलाल चौधरी की लगता है बारी है। औरिया मकबूल जान साहब और मज़हर अब्बास साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। और ये सब आपको क्या लगता है सर, ये वाकई नोटिसेज और सज़ाएँ अदलिया मुखालिफ तकरीर पर, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अदालतों के जजेस पर तनकीद नहीं हो सकती, किसी फैसले पर ज़रूर तनकीद हो सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जजेस को भी धमकियाँ मिली हैं, ये सिलसिला थम पाएगा इन सज़ाओं से, इन नोटिसेस से? और ये जो जुडिशल एक्टिविज़म हमें ओवरऑल नज़र आ रहा है इफ्तिखार चौधरी के बाद से अब दोबारा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह की रॉटन सोसाइटी हमारी है और जिस तरह का रॉटन किस्म का हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म ही होता होता है। आप भारत की मिसाल ले लें, मैं 2007 में वहां गया था, एक बिल्डिंग नहीं गिरा सकते थे वहां पर एनवायरमेंट के नाम के ऊपर दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा दिल्ली शहर साफ करके रख दिया। हालत ये थी कि 40-40 मंजिलें उन्होंने गिरा दी। ताजमहल आगरा जो था ये तबाह बर्बाद हो चुका था, यूनेस्को ने उसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से खारिज कर दिया था, फैक्ट्रीज को हाथ को नहीं लगाता था खड़े हुए। मैं डीजी आर्कियोलॉजी था, वहां के डीजी आर्कियोलॉजी में ले गया, उसने बाहर वहां खड़ा किया, उसने उसके अंदर का पैदल कर जाना पड़ेगा। कहता जमाना यह था कि एक मिनिस्टर भी जो था वो गाड़ी का धुआं निकालते हुए ताजमहल के ऊपर खड़ा हो जाता था। ये मैं एक किसी सोसाइटी की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर आप मुझे ये बताइए कि क्या अगर ये नकीबुल्ला का केस होता और ये सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर सुओ मोटो ना लेती तो आपका क्या मतलब है? पाकिस्तान में किसी चीफ मिनिस्टर ने कहना था कि नकीबुल्ला का केस हो गया? जितने पहले 400 मरे थे सारे मुस्तफा मर जाते थे दहशतगर्द, क्या किसी मीडिया ने भी कहना था दहशतगर्दों? अच्छा, अब ये जो शाहरुख जतोई का केस हुआ है हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर उन्होंने फैसला किया है तो क्या पाकिस्तान में कोई वजीर आजम ने कूद पड़ना था उसके अंदर? ये जो स्टंट जो बिक रहे थे, ये जो बाकी सारे का दूध का मामला हुआ था, क्या पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है? मैं 31 साल इस एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने धक्के दे दे के लोगों को अदालत के दरवाजे में भेजा है। आप एसएचओ के पास जाएं, वो कहेगा यार मेरे पर सियासी प्रेशर है, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, तुम अदालत से फैसला ले आओ, मैं तुम्हारा मकान खाली करा देता हूं। प्रमोशन जो है छोटा सा इशू होता है, एक रेगुलर फीचर है। आप अंदाजा करें कि अगर सेक्रेटरी नाराज हो जाए, अगर वजीर आला कहे कि फलां शख्स को प्रमोशन नहीं करनी, तो हक सख्त की बात नहीं होती, वो कहते हैं यार तुम अदालत में चले जाओ, सर्विस ट्रिब्यूनल में चले जाओ, वहां से फैसला ले आओ तो हम आपको कर देंगे। जिस माशरे के अंदर गुज़श्ता 40-50 साल से किसी किसी शख्स को इंसाफ की तवक्को ना हो, जहां जहां अंडर द कार्पेट सब वहां तो ये होता है। अब मामला पता है क्या इस वक्त यह है, अब पाकिस्तान वो वाहिद सोसाइटी है कि जहां सियासत और क्राइम को जो है वो इकट्ठा कर दिया गया है। कि एक सियासतदान अगर क्राइम करता है, पनामा का केस तो सियासी केस नहीं है, इट्स अ क्रिमिनल केस, और क्रिमिनल केस ऐसे केस जो है पाकिस्तान में चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी चले हैं, एसेट बियॉन्ड मींस 11 के आईजी के खिलाफ भी चले हैं,
वजीरों के खिलाफ भी चले हैं, खनतकारों के खिलाफ भी चले हैं, कभी किसी ने नहीं कहा। अच्छा फिर एक और बात, एक और मैं बहस सुन रहा था सुबह से जो हो रही है कि जी नायल करें सारी जिंदगी के लिए, बैंक में एक आदमी फ्रॉड कर ले सही, सारी जिंदगी के लिए बैंक की नौकरी से महरूम हो जाता है। ठीक, एक आदमी नौकरी के अंदर से कोई फ्रॉड कर ले, लिखा जाता है कि ही हैज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस, सारी जिंदगी नौकरी नहीं कर सकता। फौज के अंदर के एक आदमी को इस तरह का काम करे, और भाई सियासत इतना गंदा काम रह गया कि एक आदमी बदयांती करता है, पकड़ा जाता है, उसको नहीं 3 साल बाद उसको दोबारा लॉन्ड्री में लेके आ जाओ। यानी पाकिस्तान में मुझे ये बहस करते हुए लोगों को शर्म नहीं, सियासत और क्राइम को हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में इकट्ठा कर दिया गया है। और दूसरा आपने कहा कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, हुकूमत नाकाम नजर आती है, वहां पर ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो नागुजीर हो जाता है। मज़हर अब्बास साहब, इन इस तमाम सिचुएशन के अंदर जहां पर वाकई हम देखते हैं कि सोसाइटी के मुख्तलिफ अफराद की तरफ से मुख्तलिफ केसेस के अंदर ये कहा जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट नोटिस लें, चीफ जस्टिस नोटिस लें, जिसको शायद लोग एक लास्ट होप के तौर पे देखते हैं, लेकिन फिर उसके जवाब में नवाज शरीफ साहब और शरीफ खानदान ये भी कहता है कि जनाब दौरे शौक से करें हस्पतालों के और इधर उधर ज़रूर जाएं, लेकिन पहले अपनी हालत भी देख लें। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का जिक्र कर दिया जाता है। ये इदारों के दरमियान, या ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर और शरीफ खानदान के दरमियान जो टसल है, ये आपको कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है? शुक्रिया सादिया। देखिए दोनों चीज़ें मेरा ख्याल दुरुस्त हैं, ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने घर को बिल्कुल दुरुस्त करने की ज़रूरत है, खासतौर पे लोअर कोर्ट्स की जो हालत है वो बहुत बुरी है। देखिए दो, और दूसरी बात ये कि दो चीज़ों का मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। एक तो टू मैनी एडजमेंट्स, ये जो बहुत ज़्यादा एडजमेंट्स दी जाती है उसकी वजह से मुकदमे की जो मुकदमे साल साल चलते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गैर जरूरी एडजमेंट्स दिए जाते हैं। दूसरा स्टे ऑर्डर, यानी आप किसी बिल्डिंग पर स्टे देते हैं और वो बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती है, स्टे का मतलब ये होता है कि स्टेटस को, तो इन दो चीज़ों को तो सुप्रीम कोर्ट को जरूर नजरसानी करनी चाहिए और इसको चेक करना चाहिए। बाकी जो देखिए आज वैसे मजर साहब ये जो आप बात करें, आज इस हवाले से फैसला हुआ है सर, वो भी बता दें कि अदलिया में जल्द फैसलों की पॉलिसी नाफिज कर दी गई है, और ये जो आपने जिक्र किया स्टे ऑर्डर, करायादारी, विरासत, फैमिली तनाज़ात और बच्चों की तहवील जैसे मुकदमात जो हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर निपटाने की हिदायत की गई है, और दूसरी तरफ जो महफूज फैसले होते हैं उनको भी जल्द सुनाने का जो टाइम फ्रेम है वो मुकर्रर कर दिया गया है। जी मज़हर साहब। जी बहुत, जी बिल्कुल, मैंने यही कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए इसे मैं जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं कहूंगा, हमें पहली मरतबा पिछले चंद सालों में आजाद अदलिया का एहसास हो रहा है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जाहिर है हम ये जरूर देख रहे हैं कि ये सिर्फ अभी तक सिविलियन साइट्स को एड्रेस किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को उस साइट को भी एड्रेस करना चाहिए जो बहुत से केसेस पेंडिंग है, जिसमें मुशर्रफ का केस पेंडिंग है, जिसमें मेहरान बैंक का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, ताकि वो कॉन्फिडेंस भी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो अस खुद नोटिस ले रही है बिल्कुल ठीक ले रही है। देखिए जब तक आप अपने तई, ये मैं मिसाल नहीं कायम करूंगा कि मैं अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम नहीं करूंगा, हमारी यहां हुकूमत भी नोटिस लेती है, वजीर आजम भी नोटिस लेते हैं, वजीर आला भी नोटिस लेते हैं, लेकिन ये नोटिस जो होते हैं ये सिर्फ टिकर की तरह हद तक होते हैं, यानी अगर कोई वाकया हो जाए तो बगैर वजीर आला नोटिस ना भी ले तो बाज़ात डेस्क जो है ये चला देती है कि वजीर आला ने नोटिस ले लिया, चाहे वो नोटिस उसका नतीजा कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो सुओ मोटो है इसके नतायज सामने आ रहे हैं, इसके ये रिजल्ट ओरिएंटेड सुओ मोटो नोटिस है, और ये इसी वजह से हो रहे हैं कि अगर आप अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम नहीं करेंगे, जो काम आपको करना है वो अदालत करेगी, तो फिर जाहिर है आपके ऊपर सवाल उठेंगे। ये जो पीने का साफ पानी वाला मसला है, क्यों नोटिस दिया गया है? आप अगर खड़े हो जाते और गवर्नमेंट ने वाकई कुछ किया होता तो गवर्नमेंट खड़ी होती और कहती कि आप जो कह रहे हो गलत है, या बहुत सी और सी बातें। अब ये जो नाहली वाली बातें हैं या जो पॉलिटिकल केसेस है, ये सारी चीजें, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये रियलाइज करना चाहिए और इसको स्ट्रांग करना चाहिए। अदलिया आजाद होगी तो जमहूरियत बचेगी,
अदलिया आजाद होगी क्योंकि अदलिया भी टेस्ट पर है। ये वही वाला आपसे पहले औलिया साहब भी और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब भी यही बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली आप एक स्पेस एक वैक्यूम छोड़ देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कोई इदारा जो हमेशा हम कहते हैं कि फिलिंग करेगा, और यहां पर अगर अदालत इन चीजों में नोटिसेज नहीं ले रही होती तो इनके हल भी नजर नहीं आते। जिस तरीके से मजहर साहब ने कहा कि नतायज ओरिएंटेड नोटिसेज जो हैं ये नजर आते हैं। एजाज साहब, ये 62(1)(f) के हवाले से हमें तो यही पता था कि जनाब ता हयात नहली है, यही सुनते आए कि जी आइन खामोश है, मुद्दत मुतय्यन नहीं की गई है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने कहा कि 18वीं तरमीम की इन्हीं सियासतदानों ने की, पार्लियामेंटेरियंस ने की, अगर वाकई मसला था ता हयात नहली के इशू पे तो उसमें तरमीम उस वक्त ले आते, लेकिन उस तरमीम के अंदर 18वीं के अंदर इन्होंने बरकरार रखा इसको इसी तरीके से ता हयात। फिर अब क्या इशू है कि नहीं जी तायुन होना चाहिए, छोटा क्राइम बड़ा क्राइम इंटेंसिटी देखी जाए जुर्म की? नहीं, अगर एक साइलेंट है तो फिर उसके ऊपर तो आपको ज्यूरिसप्रूडेंस की ज़रूरत है ना, क्योंकि या तो बिल्कुल वाज़े तौर पे हो, अगर वाज़े तौर पे नहीं है तो फिर वो एक ज्यूरिसप्रूडेंशियल इशू बन जाता है कि उसको आप किस तरह जो है उसकी शरह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट शरह कर रहा है कि तशरीह। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है कि ये चीज़ें क्यों हैं, देखें ये चीज़ें जो हैं ये घुसाई गई थी आइन में, और ये जिन हालात में घुसाई गई थी वो हम सबको पता है। अब आगे मसला ये होता है कि जमहूरियत में आप ऐसी सतह पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे ऑब्वियसली हिज़्ब इख्तलाफ भी होती है, हुकूमत के अपने मफादात होते हैं, हिज़्ब इख्तलाफ के अपने मफादात होते हैं, उसके अंदर एक कंसेंसस किसी चीज़ के ऊपर डेवलप करना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जैसे फाटा की असलाहत के ऊपर पूरी हिज़्ब इख्तलाफ जो है हुकूमत ने जो है वो पेशकदमी की, पूरी हिज़्ब इख्तलाफ हुकूमत के साथ खड़ी, हुकूमत के अपने दो हलीफ जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं होने देंगे, तो सियासत के जो का जो धारा है वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का होता है। स्टूडियो में बैठ के या कंप्यूटर के सामने बैठ के लिखते हुए ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं, हम कुछ बेंचमार्क्स जो है वो आइडियल बेंचमार्क्स वो कर सकते हैं। अब वो चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉस भी है ना, वो आइडियल गैसेस के लिए, जब व्हेन यू अप्लाई देम टू रियल गैसेस तो वो ग्राफ के ऊपर भी डिविएशन होती है। ये जो बात मजहर ने की ना असखुद नोटिस की, देखिए ये बात तो बिल्कुल वाजे है कि अगर इदारे जो हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइजेशंस कुछ काम नहीं कर रही, तो एक स्पेस आपके पास आ गई, बिल्कुल सही, और आपने वो स्पेस इस्तेमाल की, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सिचुएशन ऐसी है जो कि ऑर्डनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन में जो आप चीज़ें करते हैं ना उसको आप नॉर्म नहीं बना सकते, ना ही आप उसको नॉर्म कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए कि इसके ऊपर, और ये पूरी दुनिया में बैठे पाकिस्तान के सिर्फ गवर्नेंस के हवाले से हालात देखे तो फिर तो लगता है कि हमेशा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात ही रहे हैं। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर या जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर सिर्फ हमारे यहां बहस नहीं है, इसके ऊपर दुनिया में बेशुमार जगहों में बहस है। और इसमें जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, इंडियन सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव थी, मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट एक्टिव नहीं होती, दे यूज टू गेट इन टू जुडिशियल एक्ट, उन लोगों ने अपने ऊपर कदगने लगाई है, बिकॉज इतनी बहस हुई है वहां पे और ज्यूरिस के दरमियान बहस हुई है कि क्या कोई एक इदारा जो है वो इस बात का जिम्मा उठा सकता है कि उसने असलाहत करनी है, ये मुमकिन नहीं है। और ये हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में वो बहस लंबी हो जाएगी। द पॉइंट रियली इज कि जो इदारे हैं, ख्वा वो पुलिस है, ख्वा वो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने देखना है कि जो जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई हैं वो जिम्मेदारियां उन्होंने निभानी है। वो तो आइडियल सिचुएशन में अगर रहे हैं, अगर कोई नहीं रहा, अगर वो जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो फिर उस स्पेस में कोई आएगा, आएगा उस स्पेस में जब आप आएंगे और अस खुद नोटिसेस लेंगे तो फिर आपको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे, फिर आप क्योंकि अपना काम नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, उसके बाद प्रॉब्लम आपने, द इशू इज नॉट प्रॉब्लम, द इशू इज नॉट प्रॉब्लम, द इशू इज द कॉन्सेप्ट। ये कोई नहीं कह रहा कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने अस खुद नोटिस ले लिया और ये राव अनवार जिसको जो अभी भागा हुआ है और लोगों ने उसको हिफाजत में रखा हुआ है, और मजहर साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा कि ये दियत की सारी बातें हो रही हैं कि वो उनके साथ दियत का मामला हो, ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि इस मुल्क में राव अनवार सडनली गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं कि किधर गया, या ये जो कसूर वाला वाकया, रियासत से मजबूत कुछ नहीं होता, ये चीजें ये अदालत ने उठाई है, ठीक है, और इसमें कोई नहीं कहेगा कि अदालत को नहीं उठानी चाहिए थी, होना चाहिए था। जिस तरह शाहरुख खतोई वाले केस को सब अप्रिशिएट कर रहे हैं और सब उस टाइम क्रिटिसाइज कर रहे थे जी कैसे बरी हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जनरल साहब, आजकल बड़ी एक बात होती है, दो पहलू हैं उस बात के कि एक तो ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी नाहली के फैसले के बाद जिस अंदाज में टेक ऑन किया सुप्रीम कोर्ट को और जजेस को, उसकी वजह से शायद अदालतें जो हैं वो अंडर प्रेशर आई हैं, और फिर ये जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कह रहे हैं या चले अदालतों का मुतहरिक होना कह रहे हैं, ये नजर आता है। फिर दूसरा इसका पहलू ये है कि जनाब बाबा रहमत ने खुद कहा है कि अदालतें जो हैं वो अंडर प्रेशर नहीं होती, तो अगर वो ये नहीं करें तो फिर क्या करें? मियां नवाशी साहब का जो एटीट्यूड है या जो उनकी अप्रोच है उस लिहाज से सही है कि उनके पास सिवाय इसके कि वो आवाम को जाकर ये बताने की कोशिश करें कि मेरे साथ जो भी हुआ है जुल्म हुआ है, और मैं चूंकि एक मासूम शख्सियत हूँ, मेरा ख़ानदान पूरा मासूम है और हमें अनजाने ओवरनाइट किस ने इतना अरबपति बना दिया, तो इसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास क्या वो ये तो नहीं मान सकते कि मेरे पास जो केस था बिल्कुल सही था? उनके इस फैसले पर एतराज़ हो सकता है और होना चाहिए भी था। ये सियासी तौर पर यह उनकी अच्छी हिकमत अमली है कि अपने आप को एक मासूम शख्स के तौर पर पेश कर रहे हैं, एक मजलूम के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये अवाम ये फैसला तो कर सकती है कि मुस्लिम लीग नून को पावर में ले आए, लेकिन अवाम ये फैसला नहीं कर सकती कि क्या मियां नवाज शरीफ के साथ जो फैसला हुआ है वो गलत हुआ या सही हुआ है। अगर हम अपनी जो पार्टी पावर है, हुकूमत की जो ग्रिप है लेजिस्लेटर पर, उसको इस्तेमाल करते हुए हम अदालतों को स्टीम रोल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आई एम अफ्रेड कि हम जो चीज़ सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं वो बॉर्डरिंग, मैं समझता हूँ कि एक क्याओस है इस मुल्क में, क्योंकि फिर आपके पास कोई ऐसा इदारा रह नहीं जाएगा जो या तो आप ये जो इम्बैलेंस है क्रिएट कर लें, लेजिस्लेटर अपना काम करे, हुकूमत अपना काम करे, और लेजिस्लेटर का जो चेक है हुकूमत के ऊपर, ठीक, अगर लेजिस्लेटर अगर हुकूमत को चेक कर सकती है, ये सारे मामलाते बेसिकली हुकूमत की नाहली है जिसको कोई चेक नहीं कर रहा है, इसलिए अगर वो चेक नहीं करेगी तो फिर जो क्योस है, रिजल्टेंट क्योस ऑलरेडी इस मुल्क में हिजानी कैफियत है कि लोग इस वक्त कन्फ्यूज हैं, परेशान हैं, मुल्क के अंदरूनी हालात में जो आपकी वजह से कमज़ोरी है वो नज़र आ रही है, आपको इंटरनल प्रेशर आपको सामने नज़र आ रहे हैं, और ये दोनों की सनर्जी होती हुई नज़र आ रही है आपको इस वक्त सामने। इनको अगर खतरे से आपने बचना है तो फिर जुडिशी अपना अगर रोल ना अदा करे तो ये प्रेशर कुकर सिचुएशन जो है कैन बस्ट। सही, फिर जिस तरीके से आपने कसूर में देखा वो लोगों ने जो इत्तेजाज किया और पुलिस को गोली चलानी पड़ी, ये समझता हूँ कि वाज़े मिसाल है। सही है, वो मदद मांगी उन्होंने आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस साहब से। जी जी सही। मेरे पास क्योंकि टाइम थोड़ा है तो मैं लास्टली चाहूंगी बाकी मेहमानों से भी इस हवाले से जरूर कमेंट लूं, कि जो मेरा इनिशियल क्वेश्चन था और यह साहब के वाकई आपको लगता है कि अब ये नोटिसेस से, क्योंकि पहले कहते थे, सब कहते थे अदालतें क्यों नोटिस नहीं ले रही हैं, ये तौहीन अदालत रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है, फिर हमें जवाब ही अदालत से मिला कि जना मुनासिब वक्त पे नोटिस होगा। अब निहाल हाशमी और नाव तलाल चौधरी 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिए गए हैं, आपको लगता है कि वाकई ये सिलसिला रुक जाएगा? नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी ये कहना छोड़ देंगे कि जनाब ख्याली तनख्वाह पे हमें नाहल कर दिया, जजेस बुगस से भरे पड़े हैं, गलत फैसला है, सियासी फैसला है, साजिश हो गई है? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जिंदगी में कभी अपोजिशन की पॉलिटिक्स नहीं की। ये जो क्राउड नजर आ रहा है ना, या आज उनकी गवर्नमेंट जो है पंजाब से वहां से निकाल दें, मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो 3000 सिपाही उनके इस्लामाबाद से चले थे और जब वो पंजाब हाउस से निकले थे, ये 3000 सिपाही लाठियां लेके और आंसू गैस के शेल लेके खड़े होते फैजाबाद के ऊपर, तो इनके साथ दो बंदे खड़े ना होते वहां पर। इनका, इनके वोटर को हम जानते हैं, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट के साथ ये जलसे हो रहे हैं, ये पब्लिक नहीं है, ये सारे का सारा इलेक्शन क्राउड है जिसके अंदर से वो अदलिया के सामने इस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अदलिया ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। चंद दिन के बाद अगर गवर्नमेंट चले जाती है, अच्छा, और कोई ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है और उसके अंदर जो केस अब पे, ये चार, मैं हमने देख पूरे 8 साल ये जलावतन रहे हैं, 4 बंदे नहीं निकलते थे यहां पर सड़कों के ऊपर इनके इनके लिए। हालत ये थी कि उसमें केक काटा करते थे बैठ के सालगिरह का, और उस तस्वीरें छापा करते थे लोगों के साथ। इवन ये कि जिस वक्त इफ्तखार चौधरी का जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू हुआ है, तो उस वक्त भी बड़े बड़े डरे डरे थे कि हम कैसे निकलेंगे। नवाज शरीफ साहब ने जिंदगी में ये सोने का चमचा लेके पैदा होने वाले लोग जो हैं, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में और वजीर आला की मौजूदगी में, अपने डीपीओ की मौजूदगी में, अपने डीसीओ की मौजूदगी में उसी वक्त जुबान चला सकते हैं, वरना हमने देखा हुआ है। ठीक है,
कि नहीं हो सकता। ठीक है मजर साहब, ये बात तो ऑब्वियसली सही है, हम सभी इसके हवाले से कहते रहे कि कभी इनके खिलाफ अदालतों के फैसले आए नहीं हैं। शरीफ खानदान वो खानदान रहा है जो हमेशा से अनटचेबल्स का खानदान तस्वर किया गया है, तो फर्स्ट टाइम अदालत का और इतना बड़ा फैसला आ जाना, नाहली करार दे देना, तो ईगो तो हर्ट हुई हुई है, बट ये सिलसिला थमेगा इन नोटिस से? देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट इस वक्त पीरियड है और मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं औरिया साहब की इस बात से एग्री नहीं करता कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ये पॉपुलैरिटी जो है आर्टिफिशियल पॉपुलैरिटी है। अगर ये होती तो 2008 में पंजाब में अच्छा। उनकी सूरत हाल ऐसी नहीं होती, 2013 में इलेक्शन में ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आती, और मेरा ख्याल है अभी भी जब इलेक्शन होगा तो उसमें पॉपुलैरिटी और कितने अनपॉपुलर है उसका भी अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और उस पर आप तनकीद कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको रिस्पेक्ट देनी जो है वो बहुत जरूरी है, इसलिए कि इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत जरूरी है। एक जो अगर आपने पाकिस्तान में सिस्टम को आगे बढ़ाना है, कराची में हम इसके विटनेस हैं, कराची में आज भी ये चीजें हो रही हैं। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में माजी की तरह इंटरफेयर करती रहेंगी तो फिर सूरत हाल में हमेशा सवालात उठते रहेंगे, और यही इम्पोर्टेंट बात है। जो सुप्रीम कोर्ट है बिल्कुल आजाद है, उसे आजाद रहना चाहिए, पार्लियामेंट अपने तय आजाद है, उसे आजाद रहना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस इसी तरह बिल्ड करते हैं। जब आप इंटरफेयर करेंगे वो करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट चीजों का कॉग्निजेंस ले रही है और वो बहुत जरूरी है। लेकिन जहां तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, जहां तक चीजें पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उस पर आज भी सवालिया निशान बना हुआ है, तो ये चीजें जो है इस चीज में अगर हम इसी तरीके से चीजें करते रहेंगे तो फिर सवालात उठते रहेंगे। ठीक है एजाज साहब, ये नैरेटिव कि फौज और अदलिया ने मिलके हमारे खिलाफ साजिश की, हम बड़ी तरक्की कर रहे थे मुल्क की, आज भी वो कह रहे थे कराची में नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से ज्यादा इस मुल्क को तरक्की की राह पे किसी ने नहीं डाला, ये नैरेटिव चलेगा बिकेगा? डू यू थिंक पीपल आर गोइंग टू बाय दिस नैरेटिव दिस टाइम कि वाकई जी साजिश हो गई तीसरी बार वजीर आजम के खिलाफ? देखें इंक्रीजिंगली पीपल आर, देखें अब वो कितने हैं वो तो मैं उसको नहीं वो कर सकता कि आप तो एक सैंपल ही ले सकते हैं ना। जो आज भी जो ताजर बिरादरी से जो खिताब कर रहे थे मियां साहब, उसके अंदर अपना नैरेटिव सिलेक्ट कर रहे थे, मिसाल के तौर पे कि क्या जोरी धमाका भी सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज करेगी? सवाल यह है कि अगर उस वक्त हुकूमत किसी और की होती तो वो भी कर देते, बट द पॉइंट इज कि दिस इज अ पॉलिटिकल नैरेटिव। जहां तक ताल्लुक है, बना दी पुल, बना दिए, तरक्की कर दी, शहबाज शरीफ साहब को शाबाश दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बड़े भाई को शाबाश देते हैं ये छोटे भाई को शाबाश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये हमेशा जो है काफी तेज रहे हैं, बट उसके अंदर पोक बैरलिंग भी बहुत हुई है। सही, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज नॉट दी ओनली टाइप ऑफ डेवलपमेंट, वो एक अलग बहस है। अब ये कि ये फौज और अदलिया, इसके पीछे एक इस तासुर के पीछे एक तारीख है, बदकिस्मती से वो तारीख जो है वो हकीकत है, तारीख हकीकत है, तासुर उससे जन्म ले रहा है, और फिर उसके अंदर किस किस्म के व्हाट्सएप फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड मैसेजेस आते हैं, वो जो कहते हैं परसेप्शंस जो है वो रियलिटी से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। हमें ये भी पता है कि जैसे मदर ने बात की एंड इज एब्सोल्युटली राइट, इज नॉट जस्ट इन कराची, हमें ये भी पता है कि कई लोगों का हमें पता है कि कहां से मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक, तो अब वो मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, ये फिर एक सवाल उठता है, उस सवाल को फिर आप जो है वो आगे बढ़ाते हैं, उसका आप एक सियासी बयानिया बनाते हैं, तारीख को सामने रखते हुए और उसकी हकीकत को सामने रखते हुए वो नैरेटिव जो है वो बेचने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आई हैव टू वाइंड अप हियर, एजाज हैदर जरबाज साहब और या मकबूल जान साहब और जनरल गुलाम मुस्तफा साहब का आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।